हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बजे हैं सुबह के 6 और मैं उठ गई हूँ। और सुबह का मैं आपको बताती हूँ मेरा क्या रूटीन है। तो उठ के हम सबसे पहले मैं और मम्मी जाते हैं दूध लेने के लिए। यहीं पास में एक डेयरी है वहाँ पे। तो चलिए दिखाती हूँ आपको मैं कि मेरे दिन की शुरुआत कैसे होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये है वो जगह जहाँ पर हम लोग आते हैं सुबह सुबह दूध लेने के लिए। देखिए अभी दूध अभी निकला नहीं है, वरना अभी निकल जाता है तो सब लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं लेने के लिए। तो अभी कोई आया नहीं, इसका मतलब दूध अभी निकला नहीं है। वो आंटी जो हमको आप सामने आपको दिख रही हैं, येलो साड़ी शायद दिख रही होंगी, तो वो भी निकालेंगी। देखिए फ्रेंड्स, वो सामने आंटी दूध लेकर आ रही हैं। बस इसी अभी दूध लेके आएंगी, इसी में से हम लोग को दूध मिलेगा। अगेन हेलो फ्रेंड्स, आज सुबह का मैंने ब्लॉग बनाया था तो आपको दिखाया था कि मैं और मम्मी गए थे सुबह दूध लेने के लिए। तो वहाँ से आने के बाद हम लोग इतना बिजी हो गए थे क्योंकि नाना धोना, फिर ब्रेकफास्ट, और सुबह मेरी क्लास रहती है तो वो मैंने क्लास की। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ कि मम्मी बना रही है, देख सकते हैं पीछे, खाना पापा के लिए, क्योंकि पापा का जाता है दोपहर में टिफ़न। तो मम्मी उसी की प्रिपरेशन कर रही हैं। और आप सोच रहे हैं कि मैं केवल किचन ब्लॉग बनाने के लिए आई हूँ, तो ब्लॉग बनाने के लिए नहीं आई, मैं आई हूँ रायता बनाने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं रायता कैसे बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं रायता बनाऊंगी और ये रायता बनके तैयार हो चुका है। ये बनाया है मैंने बूंदी का रायता। और यहाँ मम्मी पापा के टिफ़िन में रख रही हैं। कौन सी दाल है ये? ये है साबित मसूर की दाल, मेरी तो फेवरेट दाल है ये। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसी लगती है। तो आज पापा के टिफ़िन में है ये मसूर की दाल, उसके साथ थोड़ा सा घी, और ये रायता, और उसके साथ है रोटी, क्योंकि पापा चावल बिल्कुल नहीं खाते हैं। इसलिए ये गया बटर पेपर टेबल उसमें टिफ़िन में। और ये रोटियाँ जो मम्मी ने बना के रखी थी और पापा ने जो अंकल आते हैं खाना लेने के लिए उनको भेज दिया है, तो बस मम्मी टिफ़िन लगा के उनको देंगी और पापा का खाना चला जाएगा। क्योंकि ये गई पापा की रोटी टिफ़िन में। ये लग गया उनका खाना। सो इसके साथ दाल के साथ थोड़ा अचार भी जाएगा, आम का अचार, जो स्पेशली हमारे यहाँ पे गर्मियों में रखा जाता है। सो ये हो गया टिफ़िन उनका रेडी। टिफिन तो जा चुका है और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। और ये है मेरी प्लेट जिसमें मैंने आपको बता दिया था, ये है रायता और ये दाल, एक रोटी और ये चावल, क्योंकि चावल के बिना तो मेरा पेट नहीं भरता। और दोपहर में वैसे भी चावल अच्छे लगते हैं दाल के साथ। तो अब मैं खाना खा लूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अगेन फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपको अपना डे रूटीन में से एक और चीज़ बताने वाली हूँ कि आज मेरा यहाँ पे, जब से पापा के पास मैं रह रही हूँ, तो मेरा एक नया फ्रेंड बन गया है यहाँ पे, जो डेली मेरे से मिलने आता है। क्यों, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा नया फ्रेंड। इसका मैंने अभी तक नाम नहीं रखा है, पर यह डेली सेम टाइम पर मेरे घर आता है और गेट के आगे खड़ा हो जाता है आके। तो इनको जब तक कुछ खाने के लिए ना दो तो यहाँ से जाते नहीं है। देखिए कितनी जल्दी जल्दी में खा रहे हैं। ये मैंने इनको पीनट्स डाले हैं, मूँगफली के दाने। तो ये खा के बस अपना, मतलब ऐसे रूटीन से आता है, खाएगा, आएगा और चला जाएगा। खा लो आराम से, खाओ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप पीछे देख सकते हैं हमारी कार खड़ी हुई है और मैं हूँ अभी घर पे बिल्कुल अकेली। पीछे हमारा रूम है और मम्मी है अंदर घर पे केवल। और आपको पता, भाई तो मेरा चला गया है, तो मैं शाम को टहलने निकली थी यहाँ पे घर पे। कमरे में शाम को बहुत बोरिंग हो जाता है, तो बस मैं शाम को अकेले टहल रही थी। और आपको मैं जगह पहले भी दिखा चुकी हूँ, हम लोग ये हॉस्पिटल के कैंपस में रहते हैं। और ये है हमारा पीछे एकदम ग्रीनरी वाली पूरी जगह, जहाँ पर मोस्टली बहुत कम लोग रहते हैं, जिन लोगों के क्वार्टर्स हैं मोस्टली वही लोग रहते हैं। सो शाम को मोस्टली मैं यहीं टहलती हूँ। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और नेक्स्ट जो भी रहेगा मैं वो मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। थैंक यू।